दो होमलेस बंदे टकरा गए और भाई वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। पिछले 15 किलोमीटर से चल रहा हूँ और 15 किलोमीटर में मुझे एक भी गाड़ी नहीं मिली, अकेला मैं ही चल रहा हूँ। तो भाई अमेरिका में अगर आपको होमलेस बनना है ना, उस होमलेस प्रोसेस में है ना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए तेल। इसी में सो रहा हूँ गाड़ी में। एक इंडियन होमलेस बंदा इन यूएसए आपका स्वागत करता है। किस तरीके से यूएस के अंदर जनता अपने कारों में रहती है, एकदम डिट्टो आपका भाई कॉपी कर रहा है। बस आपके भाई के पास उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, कार है और थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेता हूँ मैं। जस्ट अभी जो मेरा ग्रैंड कैनियन का टूर था उसको मैं ख़त्म करके आया हूँ। ग्रैंड कैनियन के टूर को यहाँ से अभी एक घंटा ड्राइव करके मैं यहाँ पे जो मेन हाईवे है उसके ऊपर पहुँचा हूँ। और यहाँ पे मुझे एक पेट्रोल पंप मिला। पेट्रोल पंप पे यहाँ पे खाली पेट्रोल पंप नहीं होते हैं, वहाँ कोई ना कोई रेस्टोरेंट मिल ही जाता है आपको। तो इस पेट्रोल पंप के ऊपर एक ये बर्गर किंग है और उधर नवाजो। ये नवाजो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि नवाजो का मतलब क्या है। एक नवाजो करके इनका एक नेशनल एरिया भी पड़ता है, कोई डेडिकेटेड काइंड ऑफ ट्रेल भी है, तो उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे एक सुपर मार्केट है, अभी सुपर मार्केट में प्राइसेस देखता हूँ क्या है। ये भाई कितना प्यारा स्टोर है यार। Hey man, how are you doing? पूरी एकदम मिड वेस्ट यहाँ पे फीलिंग दे रखी है। Brother, what's the name? Is how you pronounce? Is Navajo or Navajo? Navajo. Is it like is a native name? Yeah, on the reservation right now. Okay. The map of it. So, you got up and out. Okay. So we are currently right here. In Cameroon? Yeah. And the white area is the reservation of Navajo? This whole little part is right here. This white part right here is Hopi. Okay. Can I have this one? It's actually it's up to $5. $5, okay. Of the reservation itself. Want to see how it is. Okay, Arizona. And you're from here? I was actually born in Gallup. I don't know the area too well because I don't know too much. But yeah. Was Arizona, this is... Because right now I'm planning to go to Monuments Valley. Is it worth? Yeah, I'd say it's worth it. It's a good one, yeah? Yeah. You see it in a Forrest Gump movie. Yeah, like Forrest Gump and even in the like all the West movies, like Clint Eastwood movies. I think so, yeah. Okay, thanks a lot, man. इस सुपर स्टोर के अंदर है ना आपको आधे से ज़्यादा जो नेटिव लोगों की चीज़ें हैं ना वो मिलेंगी। एरिजोना है तो सच में ख़तरनाक यार भाई। नेटिव और मिड वेस्ट का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है एरिजोना में। अब ये देखिए यहाँ पे इनकी मैग्नेट्स बहुत महंगी हैं यूएसए के अंदर। ये एक मैग्नेट $5 की। एरिजोना द ग्रैंड कैनियन स्टेट और ये मेड इन चाइना है 99%, क्योंकि अभी तक जो मैंने देखी थी वो काउबॉय स्टेट एरिजोना ग्रैंड कैनियन, ये आई थिंक एरिजोना का जो फ्लैग है वो है। और लगभग शोर के ऊपर है ना आपको खास करके इस एरिया के अंदर एरिजोना में मुझे ये ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क के जैकेट्स टी शर्ट और ये सब मिल रही हैं। एक टी शर्ट मान लीजिए $17 की। नहीं भाई मैं इससे अच्छा इंडिया में इनको प्रिंट करवा लूँगा। ये वैसे भी यहाँ की नहीं बनी हुई है, मेड इन होंडुरस। इससे अच्छा मैं मेरी इंडिया की नहीं पहनूँगा। ये वाला कैफ़े या फिर ये वाला सुपरमार्केट पूरी इनकी हिस्ट्री को ढंग से बता रहा है। ये देखिए पहले लोग कैसे रहते थे यहाँ पे। द स्पेनिश रीटेक द न्यू मैक्सिकन प्यूबलोज एंड होपी विलेज विच होपीज डिस्ट्रॉय इन 1060s। इंडियन लैंड फॉर सेल, न्यू कैमरून, सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर एल्बी फोल,
तो अभी जिस एरिया में मैं हूँ ये है नवाहो रिजर्व्ड एरिया फॉर द इंडियन पीपल, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनके लिए। ये वाली फ़ोटो आपने बहुत देखी होगी, आपको फॉरेस्ट गंप याद है? फॉरेस्ट गंप जब भाग रहा होता है तो पीछे एक बड़ा सा वो दिखता है, वो एरिजोना स्टेट है, वो है मोन्यूमेंट्स वैली का। और आपने क्लिंट ईस्टवुड की मूवीज देखी होंगी, उनमें जो मिडवेस्ट वाले सीन दिखते हैं वो भी वहीं के हैं, द गुड द बैड एंड द अगली, ये वाला सीन, ये सब भाई मिडवेस्ट है। और जो ग्रैंड कैनियन का आपने ये वाली फ़ोटोज़ ये देखी होंगी, बेसिकली एंटलोप कैनियन है, ग्रैंड कैनियन अलग रहता है, एंटलोप कैनियन अलग है। भाई मुझे ना इस फ़ोटो के लिए जाना है, लिटरली यहाँ पे मुझे फ़ोटो खिंचवानी है। भाई जब से मैंने द गुड द बैड एंड द अगली एंड इवन जो फॉरेस्ट गंप मूवी देखी है ना, उसमें दीवाना हो गया हूँ मैं इस फ़ोटो का। तो भाई अब यहाँ से मैं अपना बर्गर ऑर्डर करूँगा, फिर आगे की मेरी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे। नॉट बैड, $6 में आपको एक बर्गर मिल रहा है और $10 में आपको पूरा मील मिल रहा है। अरे भाई कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की अलग अलग एड्स भी चल रही थी यहाँ पे, तो देखिए उधर पूरा इंडियन थीम है और जैसे ही मैं इधर आया तो इधर पूरा भाई हेलोवीन वाला थीम चल रहा है। ये देखिए कैसे कैसे कॉस्ट्यूम लगा रखे हैं, हेलोवीन की ड्रेसेस, ये देखिए एक जाला टाइप बना रखा है, उधर मकड़ियाँ लटक रही हैं, इधर चमगादड़ लगा रखा है, जगह जगह मकड़ी टाइप में, ये कॉशन थोड़ा डर वाला माहौल बनाने के लिए। हेलो, इस बर्गर किंग में भी जो लोग काम कर रहे हैं ना वो सब नेटिव्स हैं। और यार मेरे को तो बड़ी खुशी है, मैं भी उनसे थोड़ी देर बात बात कर रहा था कि यार क्या है क्या सीन है। तो ये वाला जो एरिया है ना पूरा रिजर्व्ड एरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर जो आपको लोग काम करते हुए मिलेंगे, जो ओनर्स भी होंगे, जो बिजनेस भी होंगे ना, वो ज़्यादातर आपको नेटिव्स के मिलेंगे। एकदम पूरे तो नहीं बता रहा लेकिन काफ़ी मात्रा में आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे। इवन यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं, पहले जिस भाई से मैं बात कर रहा था, वो भाई जो मुझे मैप दिखा रहा था, ही और इवन जिस सिस्टर को मैंने ऑर्डर किया अपना खाना, वो भी नेटिव है। तो नेटिव है ना, आप थोड़ा सा ना आप वो कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे। नेटिव्स हैं थोड़े बल्कि, मतलब उनके जो शरीर है वो थोड़ा ब्रॉड है, और भाई उनकी जो शक्ल है ना वो थोड़ी थोड़ी जो अपने ईस्ट एशिया है या फिर साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ के लोगों से मिलती है, थोड़ा एशियन जो मोनोलिड्स होती है ना वो वाला इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। सारे तो नहीं बता रहा मैं लेकिन थोड़ा सा, और सारे आई थिंक प्योर नेटिव अमेरिकन अभी मिलना भी मुश्किल है, लगभग आपस में मिक्सअप हो चुके हैं, तो मिक्स ब्रीड है वो। कुछ हो भी सकता है कि नेटिव्स मिल जाएँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको पूरी जो ओरिजिन की स्टोरी है यहाँ के लोगों की, नावाहो लोगों की। तो बेसिकली नावाहो एक स्पेनिश वर्ड है, जो स्पेनिश जब यहाँ पे आए थे उन्होंने दिया था। बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं वो खुद को दिने बुलवाना पसंद करते हैं, दिने, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, दिने। और यहाँ पे पूरी स्टोरीज लिखी हुई हैं अलग अलग, यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। ये मैंने ना आज सुबह भी देखा था, सुबह में एक कैफ़े में गया था, वहाँ पे भी है ना इस टाइप के हिस्टोरिकल जो रेफरेंस थे वो अच्छे खासे लगे हुए थे। ये देखिए भाई यार, किसका जाने का मन नहीं करेगा। तो अभी उधर ही निकल रहा हूँ मैं, आज रात को इस सुनसान जगह के बीचों बीच आपका भाई होमलेस की तरह कैंपिंग करने वाला है। शोंतो ट्रेडिंग पोस्ट। अच्छा, ट्रेडिंग पोस्ट वो होती थी जहाँ पे जो इंडियंस होते थे, जो नेटिव्स थे यहाँ के, वो अपने शॉपिंग वॉपिंग करते थे। ये देखिए, मैन एंड वीमेन द लास्ट फ्रंटियर ऑफ इकेट्स, स्टेज कोच, एक मूवी थी जो बहुत फेमस रही होगी, आई थिंक 2 अकेडमी अवार्ड्स भी मिले थे इसको। हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग पोस्ट, वाई नावाहो लैंड, अपने लास्ट वीडियो में देखा होगा ना रूट 66, तो वापस से इसी रूट के ऊपर आ चुका हूँ। भाई ये USA का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है। अगर आप स्टेट्स देखें तो कैलिफोर्निया, एरिजोना, ये अल्बुकर्की किस्में हैं, अल्बुकर्की मैं भूल गया किस्में थी, ये है टेक्सास आई थिंक, ये ओक्लाहोमा एंड इनका मुझे नहीं पता ये कौन सी स्टेट है। हाँ हाँ भाई ये वही है, मैं सही था, कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, टेक्सास और ये बाकी शिकागो किस्में हैं, सेंट लुइस किस्में, मुझे बतानी है। भाई भाड़ में जाए सब, लेकिन एरिजोना का ये वाला जो व्यू है मुझे देखना है। और आज निकलते हैं भाई मोन्यूमेंट्स वैली की तरफ, चलिए। ये अब आ चुका हूँ भाई, यहाँ पे खाना पीना मैंने कर लिया इस बर्गर किंग के अंदर, और यहाँ पे मैं सोच रहा था मैग्नेट शैगनेट ले लें, लेकिन $5-5, $6-6 की मिल रही है, मेरे सबसे सस्ती मिलने वाली भी नहीं है USA की मैग्नेट।
यहाँ पे पेट्रोल का क्या रेट है मैं एक बार आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपने निकलेंगे आगे की तरफ। आज रात का आशियाना ढूंढेंगे, कहाँ सोएंगे कहाँ नहीं सोएंगे, घंटा नहीं पता। तो यहाँ पे डीजल है 3.7 का, पेट्रोल है सुप्रीम वाला, सबसे सस्ता देखते हैं, जो मैं सबसे सस्ता ही भरवा रहा हूँ यहाँ पे 3.1 का, ज़्यादा महंगा नहीं है। कैनियन के पास है ना, यहाँ से 50 किलोमीटर ही मान लीजिए आगे, 50 किलोमीटर में $1 का डिफरेंस आ गया सीधा, $1 से $1.5। तो USA के अंदर मार्केट खुला है भाई, आप डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलते हैं। अपने इंडिया में इतना खुला हुआ नहीं है, अगर थोड़े से ज़्यादा प्राइस होते हैं ना तो गवर्नमेंट ऐसे गुद्दी पकड़ लेती है। करते हैं भाई अपनी जर्नी स्टार्ट। ये भाई भी मेरे को लग रहा है कि साठ वाला जो है, इसकी गाड़ी देख के मुझे ऐसा लग रहा है होमलेस टाइप ही है। वॉलमार्ट देखूं क्या यार, वॉलमार्ट से है ना वो खरीद लूंगा मैं कंबल, मेरे पास कंबल नहीं है, वरना है ना ठंड लगी थी मुझे कल रात को, ठंड ज़्यादा लगने लग गई तो मैंने पता है क्या किया, गाड़ी का हीटर ऑन किया। कुछ भी कर लो यार, अगर कितना भी खर्चा कर दो ना, गाड़ी में रहना इज मच चीपर देन लिविंग इन होटल्स, और खास करके ऐसी टूरिस्टिक जगह के ऊपर तो $100 से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा मैंने कितना 3-4 लीटर तेल जला दिया, कल मैंने जो तेल भरवाया था भाई वो 68 रुपीज पर लीटर, 68 रुपए 70 रुपए। और अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर करोगे ना, यहाँ पे गाड़ियां भी सस्ती हैं अपनी इंडिया से, गाड़ी सस्ती, पेट्रोल सस्ता, और टोल यहाँ पे लगभग है नहीं USA के अंदर, बहुत कम जगह पर आपको टोल मिलेंगे। और ग्रोसरी अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया से मैं नहीं कह रहा कि बहुत ही सस्ती है, लेकिन काफ़ी सस्ते में आपका काम चल सकता है। तो अगर आप होमलेस हो ना USA के अंदर, होमलेस विद अ कार, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन हैव, अगर आपको सस्ते में ट्रैवल करना है। बाकी भाई अगर देखो यार, घर वाले सुख चाहिए ना, तो वो नहीं मिलेंगे आपको भाई। 24 घंटे तक मेरे को इसी रोड पे चलना है, टोटल है मोन्यूमेंट वैली 193 किलोमीटर, 2 घंटे दिखा रहा है, तो लगभग 100 की एवरेज स्पीड आ ही जाएगी मेरे हिसाब से। अभी तो 4 लेन रोड चल रहा है, स्ट्रीट लाइट भी है, मेरे हिसाब से ये लंबा नहीं चलेगा, रोड छोटा हो जाएगा, इस एरिया के अंदर ज़्यादा 2 लेन ही मिलेंगे। ये वाला जो रोड है ना भाई, ये थोड़ा ये बम्पी है। वैसे अभी स्पीड मेरी 65 माइल्स पे मैंने लॉक कर रखी है, इस हाईवे की मैक्सिमम स्पीड ही 65 है। वैसे चला तो मैं 75 भी सकता हूँ, पर यार क्यों ये रूल ब्रेक करनी है, 65 भी अच्छी खासी हो जाती है, 100 की स्पीड है 2 लेन रोड के ऊपर। तो मतलब समतल नहीं है वाला हाईवे, गाड़ी बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन यहाँ पे है ना, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मतलब कि मैं अगर रोड के ऊपर ढंग से ना भी देखूँ ना, तो रोड के ऊपर गड्ढे वड्ढे नहीं आएंगे। ये कॉन्फिडेंस यार अपने इंडिया में है ना अभी थोड़ा बन नहीं पाया है। मैं नहीं कह रहा इंडिया में रोड अच्छी नहीं बन रही, लेकिन अभी अपने को थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई रोडों के ऊपर है ना, अरे सॉरी मैंने हाई बीम ऑन कर रखी थी भाई। देखो यार, एक भी गाड़ी के अंदर है ना हाई बीम नहीं मिल रही है। अगर मान लो थोड़ी एक बार मैंने दिया ना हाथ, इस भाई ने नीचे कर लिया हाथों हाथ, तो अभी एकदम मिड वेस्ट के भाई बीचों बीच से गुजर रहा हूँ मैं। आज रात को एकदम कतई मिड वेस्ट में कैंपिंग करेंगे, खुली छाँव में। आपको होमलेस होने के पर्क्स दिखाता हूँ कि हाउ टू बी ए होमलेस इन अमेरिका। तो भाई अमेरिका में अगर आपको होमलेस बनना है ना, उस होमलेस के प्रोसेस में है ना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए तेल और आपकी गाड़ी। तो वही अभी मैं करने वाला हूँ, अपनी किस गड्डिया के अंदर तेल भराएंगे। पहुँच गए एक पेट्रोल पंप के ऊपर, तेल का रेट यहाँ पे सही लग रहा है मेरे को, पता नहीं कितने टाइप की कंपनी है ये, 76 है, कल लव लव नाम से देखा था, उसके सामने एकदम सिनक्लेयर नाम से आ रहा है, प्रीमियम नहीं भाई। हाँ कितने का रेगुलर 3.03, हाँ ठीक है, अच्छा रेट है। ठंड भी है ना अब इतनी नहीं है जितनी वहाँ पे थी ना पहले, यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा ऊपर आ गया है। तो अभी भरेंगे पेट्रोल, मैं एक बार कार्ड निकाल के लेके आता हूँ यार, कार्ड यहाँ पे है ना, सारे कार्ड मेरे काम नहीं करते हैं। एक मिनट, कार्ड टैप कर देता हूँ, देखा कहा था मैंने सारे कार्ड काम नहीं करते, ये ट्रांजेक्शन हैज़ बिन कैंसिल्ड। ओके, अब ये जिप कोड कहाँ से लगाऊँ, मेरे पास जिप कोड है ही नहीं भाई। 1 2 3 4 5, यस अच्छा चल गया ये वाला कार्ड। अब अपन सबसे सस्ता वाला करते हैं, चला दूं। थोड़ा कंपी मेरी रानी, बहुत महंगा है अमेरिका का पानी। कितना गैलन आ गया भाई, 2 गैलन तो जा चुका है। कट लग गया, ऑटो कट ठीक है। $11 का तेल आया है, नॉट बैड, अपनी इंडिया वाली आदत है भाई, पूरा एकदम भर दो पूरा ढंग से। $12 में लगभग 4 गैलन तेल आ गया है, 4 गैलन हो गए आपके 12 लीटर, तो भाई बहुत सस्ता है।
अब खड़ी करके अंदर से कुछ लेके आऊँ क्या? लेके आते हैं यार, चलो अच्छी बात है, यहाँ पे ऐसे खड़े करके चले जाओ, बढ़िया है अपना सिस्टम। सिस्टम रवीश जी, सिस्टम भाई। अभी मेरे को है ना थंबनेल अपडेट करना था वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करनी थी, मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा। और अब अगली जिस सिटी में आई होप जिसमें नेटवर्क आ जाएगा उसमें टाइम लगेगा। तेल तो फुल हो गया है, अभी मेरे पास माइलेज वो दिखा रहा है, रेंज दिखा रहा है 515 माइल यानी 700-800 किलोमीटर के रेंज है। टेम्परेचर भी अच्छा खासा ठीक हो गया है, 47 डिग्री फ़ारेनहाइट देख लो कितना है सेल्सियस में। ये देखो यार इतना फ़र्क है, यहाँ पे सामने वाले पेट्रोल पंप पे है ना 10 सेंट महंगा मिल रहा है पेट्रोल्स जस्ट सामने, और इस पर 10 सेंट सस्ता। अपने इंडिया में इतने फ़र्क पड़ जाता है कि एक दो रुपये का आमने सामने, तो मेरे हिसाब से सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे पेट्रोल पंप, क्योंकि कुछ भी हो जाए इंडियंस भाई प्राइस मामले में थोड़ा सा भी वो नहीं करते हैं। क्यों ही करें यार, अगर मान लो थोड़ी सी मेहनत से अगर आप 100 रुपये बचा पा रहे हो तो क्या दिक्कत है, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं। चलो निकलता हूँ भाई मैं यहाँ पे, मुझे लग नहीं रहा कि, अरे वॉलमार्ट देख, वॉलमार्ट भी नहीं देख सकते तो यहाँ पे क्योंकि नेट काम नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, अब अगली सिटी में जाके देखते हैं, इतनी ठंड नहीं होगी मेरे हिसाब से, वहाँ पे कल कैनियन में ज़्यादा थी। और ज़्यादा होगी तो भाई कोई बात नहीं, तेल गाड़ी ऑन करके सो जाएंगे, इतना महंगा तेल नहीं है। ये जो भी म्यूजिक चल रहा है ना, ये है मिड वेस्ट का म्यूजिक, जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ ना यूएसए के। भाई मॉन्यूमेंट वैली के पास जो मैकडोनल्ड है वहाँ पहुँच गया हूँ मैं, वैसे अभी भी मॉन्यूमेंट वैली 1 घंटा दूर है, लेकिन यार यहाँ पे मेरे फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, और वो नेटवर्क ना आने के कारण पंगा क्या हो रहा है, मैंने शायद गलत जगह लगा दी, मैंने आरवी वाली जगह पे लगा दी गाड़ी, तो उसको चेंज करके मैं थोड़ा उधर लगा के आऊँगा। मेरे फ़ोन में इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, यहाँ पे एक बार मैकडी में चेक करूँ कि इनके पास वाईफाई है या नहीं है। क्या हो गया, बंद हो गया इतनी जल्दी? भाई ना बर्गर किंग खुला है, ना ये टाको बेल खुला है, ना मैकडोनल्ड खुला है, तीनों बंद हो रखे हैं। और ये एक गांव सा है भाई, यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं है अभी। मे भी ये जो सुपरमार्केट है ये अभी मैं जाके देख के आऊँगा, ये भाई साहब अभी बंद हो रखा है, कुछ खुला नहीं है। और मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ नहीं रहा था, मुझे भी एक वीडियो अपलोड कर ली थी, फाइनली भाई ये टाको बेल के बाहर है ना मुझे वाईफाई के सिग्नल मिले, इसके साथ कनेक्ट किया और फिर वो अपलोड की। और यहाँ पे मेरे को फीलिंग ही नहीं आ रही, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं ना मिडिल ईस्ट में हूँ, अमेरिका जैसी फीलिंग ही नहीं आ रही है, कुछ अलग ही लग रहा है भाई इधर। ये वो टिपिकल एक अमेरिका की फीलिंग मिस हो रही है, अभी लग रहा है मैं अमेरिका के देहात में घूम रहा हूँ उजाड़ में। सुपरमार्केट में जाके जाना है आगे भाई, कॉफ़ी लेनी है। और अभी भी है ना जहाँ पे वो जो मॉन्यूमेंट वैली है वो अभी भी दूर है यार, सोच रहा हूँ आज वहीं पर लगा दूँ। वैसे रात के 10 बज चुके हैं, 1 घंटे की ड्राइव करके अगर वहाँ पहुँच जाऊँगा ना तो ठीक है, नॉट अ बिग डील। बाहर जाया नहीं जा रहा, गाड़ी के अंदर हो रहा है, करे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ठंड हो रही है और वो भी अच्छी खासी। शुक्र है वीडियो तो अपलोड हो गई भाई, एक कॉफ़ी लेके आता हूँ उसके बाद सोएंगे यार, नींद बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब ये जो सेल्फी स्टिक है ना इस कैमरा की, ये भी वो हो गई है, ठंडी हो गई है। गांव भाई अलग है अमेरिका के, उतने डेवलप नहीं लग रहे मेरे को जितने शहर हैं। गांव के मामले मेरे को ऑस्ट्रेलिया और इसके न्यूजीलैंड के गांव बड़े सही लगे थे यार, बहुत सही, वेल मेंटेन्ड। यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं लग रहा, और खास करके एरिजोना के जो गाँव है वो उजाड़ टाइप में ही। और दिन में हो पाए ना तो मैं आपको ढंग से दिखाऊंगा कि अमेरिका के गाँव दिखते कैसे हैं बेसिकली। भाई मुश्किल से पेट्रोल पंप खुला मिला, और यहाँ से मैंने एक दो चीज़ें ली क्योंकि सुबह मेरे को ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए रेडी किया मैंने खुद को। यहाँ पे पार्किंग मिली, लेकिन यहाँ मेरे से 2 होमलेस बंदे टकरा गए, और भाई वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे, फिर इतने में पुलिस आ गई। पुलिस वाला बंदा भी अजीब ही लग रहा था मेरे को, लेकिन उससे बात बात करके उसने उन होमलेस बंदों को इधर से उधर भगाया। ठीक है, अभी गाड़ी के अंदर थोड़ा कचरा भी पड़ा, उसको भी साफ़ कर लेता हूँ यार, अब निकलते हैं भाई, बहुत हो गया है यहाँ पे, ठंड भी अच्छी खासी हो गई है। एक दो चीज़ और रह गई थी यार लेनी। ब्रदर डू यू हैव अ पेन? डू यू सेल अ पेन? नॉट फॉर सेल, इट्स ओके। वैसे मैंने अभी एक ये मॉन्स्टर लिया, ये मैंगो मॉन्स्टर, ये पहली बार मैंने ऑस्ट्रेलिया में पी थी, अपने इंडिया में शायद ये मिलती नहीं है, मेरे को बड़ी प्यारी लगती है ये वाली।
बाकी तो मैंने एनर्जी ड्रिंक आजकल वैसे बहुत कम कर दिए, पीता ही नहीं मीठा वाठा। $6 कम है भाई, एरिजोना का पूरा ही है। चलो खींचते हैं भाई अपने मीटर को। ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिए हैं और अब कुछ अपने को ज्यादा चिंता विंता करने की जरूरत नहीं है भाई। देख लीजिए, पिछले 15 किलोमीटर से चल रहा हूँ और 15 किलोमीटर में मुझे एक भी गाड़ी नहीं मिली, अकेला मैं ही चल रहा हूँ। लोन सर्वाइवर ड्यूरिंग द नाइट टाइम भाई, पूरा कतई लोनली रोड है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। अभी यही बचा हुआ है, अभी 66 माइल पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं अपन और 15 किलोमीटर और बची हुई है जो जिस जगह पे मुझे जाना है। हाँ ठीक है, स्टेयरिंग इस गाड़ी के अंदर अच्छी बात क्या है, अगर आप स्टेयरिंग छोड़ भी दो ना तो ये कंट्रोल कर लेती है खुद को, लेकिन नहीं मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, बस एक आपको एक फीचर बता रहा हूँ आपको भाई। जो विजिटेड सेंटर है वहाँ पे आ गया हूँ मैं, और ये तो खाली सा ही पड़ा यार, कोई है ही नहीं यहाँ पे। भाई जो मोन्यूमेंट वैली है इसके विजिटर पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ, एक भाई ने साथ में कैंपर वैन लगा रखी है, आई होप वो अंदर कैंपिंग कर रहे हैं। यही है भाई, अब सुबह सुबह निकलूँगा, मैं सोने जा रहा हूँ, रात के 12 बज चुके हैं और अब और कुछ नहीं यार बताने को, कल सुबह मिलता हूँ अब आप लोगों से। बहुत ख़तरनाक जगह है ये, कल आपको समझ आएगा कि क्या बता रहा हूँ मैं क्या नहीं। इसी में सो रहा हूँ गाड़ी में। चलो गुड नाइट गाइस।